नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मुख्य शेयर के बारे में जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी आगे मिलने जा रही है, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके हम लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे, मतलब इसका टेक्निकल एनालिसिस और फिर इसके फंडामेंटल को भी जानेंगे। ये कंपनियाँ दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली रूप से, तो हम बैलेंस शीट को भी देखेंगे और कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको भी देखेंगे और कॉर्पोरेट एक्शन को भी जानेंगे, कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन कब कब आया है। तो ये हमारा पहला जो शेयर है वो HDFC MC, कई बार हम इस स्टॉक की चर्चा कर चुके हैं, काफी बेहतरीन शेयर है। जो हम बात करते हैं कि इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो निश्चित है कि इन सब कंपनियों की काफी योगदान होगा। दोस्तों HDFC MC एसेट मैनेजमेंट की नंबर 1 कंपनी है और HDFC ग्रुप की कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं ये ग्रुप काफी बेहतरीन है, तो आपको मैनेजमेंट जो है काफी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। इसका जो ये ज्वाइंट वेंचर है HDFC बैंक का और HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, तो दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है, तो आपने मैनेजमेंट देख लिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब करते हैं इसके लेवल्स और टारगेट का। तो दोस्तों मैंने इसमें SIP स्टार्ट कर दिया है, मैं आपको वही सारे स्टॉक रिकमेंड करता हूं। आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो मैं अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता तो लास्ट में बता देता हूं कि आप इस स्टॉक में अपना जो रिसर्च कर ले तब जाके इन्वेस्ट करें। तो इस स्टॉक में मैं खुद SIP स्टार्ट कर चुका हूं और धीरे धीरे इसमें हम इन्वेस्ट करते रहेंगे, जैसे 2-4-5 स्टॉक बारी बारी से हर गिरावट में बाय करते रहेंगे। और अगर मार्केट में कभी करेक्शन आता है तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक आपको 2000 के नीचे मिल जाएगा। ये स्टॉक जो हुआ करता था वो 4000 के अप्रॉक्स हुआ करता था, अभी आप देख सकते हैं कि इस पैंडमिक ने इस स्टॉक की हालत ख़राब कर रखी है। और अभी आप इसका देख सकते हैं करेंट प्राइस जो है 2344 रुपीज़ है, जो कि इसके ऑफर फॉर सेल के प्राइस से भी काफ़ी कम है। ऑफर फॉर सेल का जो प्राइस था उससे भी काफ़ी कम है, तो निश्चित है कि आप इसमें SIP स्टार्ट कर दें। अगर इसका 10 स्टॉक आपको लेना है तो 2 स्टॉक अभी ले लें, और गिरावट आता है तो 2 स्टॉक लेंगे, अगर ऊपर जाता है तो लेंगे। मतलब SIP हर प्राइस पे होनी चाहिए, गिरावट वाले प्राइस पे भी और ऊपर जा रहा है तो भी। ऊपर जा रहा है तो जल्दी से ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लें और होल्ड करें, नीचे जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है जैसे 2000 के प्राइस पर तो उस प्राइस पर हम ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे, ऊपर के प्राइस पर थोड़ा कम बाय करेंगे। तो ऊपर जाते समय नीचे जाते समय दोनों समय SIP आपको ध्यान देनी है। अब RSI देख रहे हैं, RSI काफ़ी वीक दिखा रहा है कि मतलब शेयर का प्राइस जो है नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम यहाँ से काफ़ी बढ़ा, यहाँ पर भी वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा, यहाँ पर वॉल्यूम जो है यहाँ पर भी थोड़ा देख सकते हैं नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम जब स्टॉक नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होता है स्टॉक और नीचे आएगा, लेकिन RSI दिखा रहा है कि इसमें वीकनेस बना रहेगा। तो जैसे RSI में यहाँ पर स्ट्रेंथ आता है, मतलब RSI आपका ऊपर मुड़ जाता है, ऊपर चलना शुरू होता है RSI, मतलब प्राइस स्ट्रांग होता जा रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब प्राइस और वीकनेस रहेगा, मतलब ये प्राइस और नीचे आ सकता है। अब हम इसके सपोर्ट की बात करें, तो ये जो यहाँ से अगर फॉल आता है तो इसका अगर सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा जो सपोर्ट होगा वो सबसे पहला सपोर्ट होगा वो हमारा 2200 पहला सपोर्ट बनेगा। अगर ये नीचे इसी तरह से आते रहा, यहाँ आप देखते हैं लगातार नीचे खिसक रहा है, मतलब ये अपना सपोर्ट तोड़ चुका है। जो इसका सपोर्ट था पहले वो 2400 था, वो सपोर्ट टूट चुका है, तो अब यहाँ पर जो सपोर्ट बनेगा वो 2200 बनेगा अगर यहाँ से वीकनेस चालू रहता है। अगर यहाँ से रिटर्न होता है तो आप इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है 2400 उसको पहली बार ये ब्रेक किया है और यहाँ देखते हैं उसके नीचे 2 दिन ये सस्टेन कर चुका है उसके नीचे, तो निश्चित इसमें आपको कमजोरी बनी रह सकती है जैसा कि RSI हमारा दिखा रहा है। अगर यहां से स्ट्रेंथ मजबूती वापस आती है तो आप फटाफट इसमें अपना SIP चालू कर देंगे। तो ये था पहला, और टारगेट तो इसका हम बात किए हैं, पहला जो टारगेट होगा वो होगा 2700, पहला टारगेट होगा 2700, उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये 3000 इसका दूसरा टारगेट। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज से है तो इसका टारगेट जो है आप 10000 ले लीजिए कि अगले 5-10 साल में ये 10000 तक स्टॉक जाएगा। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों अब हम इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं और इसके बैलेंस शीट की। तो वैल्यूएशन इसका देख लीजिए 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है और करेंट प्राइस जो आपने देखी लिया 2344 रुपीज़ है, और जो डिविडेंड भी कंपनी शानदार देती है, देखते हैं 560% का देखते हैं डिविडेंड परसेंट है, फेस वैल्यू 5 है तो इसका आप निकाल लीजिए, तो मतलब 25 रुपीज़ डिविडेंड भी देती है कंपनी। अर्निंग पर शेयर 59 का है,
उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन में अभी कुछ नहीं है डिविडेंड के सिवा, क्योंकि कंपनी न्यू लिस्टेड है। तो कंपनी हर साल 2019 में दो बार डिविडेंड दी है, 2019 में ही कंपनी लिस्ट हुई है और 2020 में भी कंपनी देख सकते हैं डिविडेंड दिया है, तो कंपनी का डिविडेंड काफ़ी शानदार है। उसके बाद फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर देखते हैं जून क्वार्टर, जहाँ काफ़ी सारी कंपनियों के रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुए। यहाँ एक देख सकते हैं ये कंपनी 309 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, 302 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस पैंडेमिक में अगर ये कंपनी इतना अच्छा रिटर्न देती है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन करने वाली है, क्योंकि इस ग्रुप का कंपनी जो HDFC ग्रुप का है तो इसका बिजनेस तो पहले से ही फैला हुआ है, बस इस कंपनी को उसको क्या करना है अपने बिजनेस के प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, निश्चित है हर गिरावट पर आप बाय करें। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए 73.95%, तो जो 75% का क्राइटेरिया है उसके आसपास कंपनी होल्ड करती है, मतलब कंपनी में प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो हर चीज़ आइडियल है, हर पैरामीटर्स आइडियल है। और सबसे बड़ी बात कंपनी के यहाँ बैलेंस शीट पर चलिए, कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है। यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का जो डेट है बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, डेट जीरो है। और यहाँ पर देख लीजिए रिजर्व कंपनी के पास 3922 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, तो रिजर्व भी काफ़ी बेहतरीन है और रिजर्व बढ़ा है कंपनी का, देखते हैं 2020 फाइनेंशियल ईयर में। और नीचे चलिएगा तो कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस 27 करोड़ का है, कंपनी का बुक वैल्यू भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 189 हो चुका है बुक वैल्यू, तो काफ़ी बेहतरीन है। अब चलते हैं हम दूसरे कंपनी की ओर, जो हमारी दूसरे कंपनी इस लिस्ट में है। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारी जो दूसरी कंपनी है वो है टाइटन, काफ़ी बेहतरीन कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी। इसका रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुआ, इसमें न्यूज़ आया कि मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ी किया, चाहे जो भी हो तो ये जो रिजल्ट खराब आया था जिसके कारण गिरावट आएगा, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। अगर साथ ही साथ मार्केट में भी करेक्शन आ जाए तो निश्चित है ये स्टॉक हमें काफ़ी गिरावट में मिलेगा। तो जो भी बाय नहीं कर पाए थे नीचे के प्राइस पर, तो वो आप 900 के आसपास आप इसमें एकदम ज़बरदस्त रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। आप जो लॉकडाउन हट रहा है धीरे धीरे, तो कंपनी का जो सारा चीज़ है बिजनेस है नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर आपको ये कंपनी गिरावट पर नीचे के प्राइस पर नहीं मिलेगा दोबारा। तो दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो अभी करंट प्राइस है 1068 रुपीज, ये 1100 के ऊपर हुआ करता था, लेकिन आज 4% का गिरावट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है पिछले दिन का है और ये रेड कैंडल जो है आज बना है, तो काफ़ी डाउन है। तो इसी तरह से आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं कि इसमें करेक्शन अगर आता है, अगर साथ साथ मार्केट में भी करेक्शन आ जाए तो निश्चित है इसमें जोरदार करेक्शन रहेगा और 2-4-5 दिन बना रह सकता है, तो फिर हमें ये अपने जो 1000 है उस प्राइस पर या उसके नीचे के प्राइस पर मिल सकता है। तो इसका पहला जो यहाँ सपोर्ट बनेगा 1000, उसके बाद अगर गिरावट कंटिन्यू रहता है तो 900 इसका दूसरा सपोर्ट लेवल होगा, और सबसे जो मेजर सपोर्ट है जिसमें पैंडमिक में भी गिरावट में ये आया था वो है 800 से नीचे ये स्टॉक्स आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में गिरावट आता है तभी मिलेगा, नहीं तो इसकी जो गिरावट है रिजल्ट के कारण ये 1000 तक के लेवल तक इसको ले जा सकता है, 1000 पे आप इसमें SIP स्टार्ट कर देंगे। तो ये है टाइटन। इसका ऊपर टारगेट की बात करें तो टारगेट पहला है 1100, दूसरा है हमारा 1200, तीसरा है हमारा 1300, उसके बाद इसका ऑनगोइंग होगा, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो ऑनगोइंग टारगेट इसका चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म में टारगेट की बात करें तो 2000-3000 इसका टारगेट होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो 5 साल का व्यू रखते हैं 10 साल का व्यू रखते हैं, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है। तो सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं, कंपनी देखिए 94,000 करोड़, एक ब्लू चिप कंपनी है, डिविडेंड 400% का फेस वैल्यू 1 है, मतलब 4 रुपीज़ हर साल डिविडेंड भी कंपनी पे करती है। कॉर्पोरेट टैक्सन पे जाकर के आप हर चीज़ को देख सकते हैं, डिविडेंड कंपनी हर साल पे करती है, आप 2020, 2019, 2018 तो हर साल कभी कभी 500% तक डिविडेंड पे करती है कंपनी। कंपनी बोनस भी दी है 2011 में, कंपनी ने स्प्लिट भी दिया है, देख सकते हैं 10 से 1 रुपया फेस वैल्यू 2011 में, मतलब 2011 में काफ़ी ज़्यादा अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया है, मतलब 20 गुना कर दिया अपने शेयर होल्डर के शेयर को, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अब यहाँ फाइनेंशियल देख लेते हैं, कंपनी का रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए कंपनी लॉस में की है 293 करोड़ का लॉस, जहाँ की 300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं कंपनी ने लॉस व्यक्त किया है, 293 करोड़ का लॉस दिखाया है। तो लॉस जब दिखाया अपने प्रॉफिट में तो निश्चित है कि इसमें काफ़ी गिरावट आपको देखने मिल सकता है। तो गिरावट मिलेगा तो आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने के लिए तैयार रहिएगा।
शेयर होल्डिंग देख लेते हैं कंपनी का। शेयर होल्डिंग देखते हैं 52.91% का प्रमोटर्स का स्टेक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप FIIs अदर्स का म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देख सकते हैं, सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आके। अब हम कंपनी का जो रिजर्व और सरप्लस है उसको दिखा देते हैं। तो रिजर्व कंपनी के पास है 6700 करोड़ का, और नीचे आते हैं तो कंपनी के पास जो टोटल डेप्ट है वो है 2100 करोड़ का टोटल डेप्ट है कंपनी के पास। तो इतना सा डेप्ट इस कंपनी के लिए कुछ नहीं, मामूली है। ऐसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये एक ब्लू चिप कंपनी है जिसका आपने प्रॉफिट देखा, एक क्वार्टर में 400 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप 2000 करोड़ का तो कंपनी का जो डेप्ट है वो तो 5 क्वार्टर में ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर डेप्ट का कोई खास बर्डन नहीं है 2000 करोड़। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस देखेगा तो 356 करोड़ का है। पहले ये देखते हैं कैश और बैंक 1000 करोड़ का हुआ करता था, तो डेप्ट चुकाने में कंपनी के लिए ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं, कंपनी जब चाहे तो डेप्ट को ख़त्म कर सकती है। बुक वैल्यू देखिए 76 का है, बुक वैल्यू भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो हर पैरामीटर्स कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। सिर्फ कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ का डेप्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा और आप हर गिरावट में इन स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक और जो वैसे ब्लू चिप स्टॉक जो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देने वाले हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये दो ब्लू चिप स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।